गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग सब लोग को गुड मॉर्निंग अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो यस yes लिखेंगे मेरी अगर जा आवाज़ जाएगी तो यस yes लिखेंगे फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज गवर्नर के बारे में आपको पढ़ाना है इसके बारे में पढ़ाना है बाबू गवर्नर के बारे में गवर्नर के बारे में पढ़ा देते हैं हम आपको यस सर ठीक है चलिए यस है तो आज आपको हम गवर्नर के बारे में पढ़ाते हैं ठीक है पॉलिटी में इससे पहले हम आपको बताए थे कि पॉलिटी में टोटल भाग की संख्या बाईस है भाग एक में जो है वो संघ और राज्य की चर्चा है संघ और किसकी चर्चा है राज्य की लेकिन इसमें न संघ के बारे में कहा है ना राज्य के बारे में संघ और राज्य का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है बस उसकी चर्चा किया गया है भाग दो में बताइए किस चीज़ की चर्चा है आंसर दिए फटाफट भाग दो में नागरिकता की चर्चा है नागरिकता यानी सिटीजनशिप की चर्चा है इसमें हम सी ए वगैरह सब पढ़ा दिए थे भाग तीन में मूल अधिकार की चर्चा इसे मैग्ना काटा भी कहते हैं मूल अधिकार ये बहुत ही जरूरी है पूरे संविधान में यही तो है एक हमारे काम लायक चीज है बाकी सब तो सरकार के लिए है भाग चार में क्या था प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी था नीति निदेशक तत्व थे नीति निदेशक तत्व नीति निदेशक नी तत्व आयरलैंड से लाया गया था और आयरलैंड ने स्पेन से लाया था भाग संख्या पाँच चार का क भी पढ़ा दिए थे आपका मूल कर्तव्य था क्या था मूल कर्तव्य ये ये स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से लेके आए थे भाग पाँच पढ़ा दिए थे आपको भाग पाँच में सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा थी संघ की चर्चा थी ये बहुत बड़ा अनुच्छेद था ये बहुत ही बड़ा अनुच्छेद था पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे यस yes, सर पढ़ा दिए थे चलिए तो पढ़ा दिए थे तो बढ़िया है पढ़ा दिए तो बढ़िया ही है बढ़िया है कि नहीं है हाँ हाँ सर पीडीएफ नहीं मिला है दे देंगे पीडीएफ एकदम दे देंगे पीडीएफ आप लोग को चलिए पीडीएफ आप लोग को दे देंगे हम अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आपसे कुछ सवाल बताइए भाग संख्या एक जो था आज पीडीएफ डाल देंगे आप लोग को पीडीएफ बन गया है आप लोग को अपलोड भी हो चुका है एक्चुअली क्लास के बाद शो होने लगेगा क्लास के बाद एप्लीकेशन में होमवर्क में शो होने लगेगा स्टडी मटेरियल में संघ और राज्य की चर्चा आर्टिकल एक से लेकर आर्टिकल चार तक था नागरिकता की चर्चा आर्टिकल पांच से लेकर आर्टिकल ग्यारह तक था मूल अधिकार बारह से लेकर कहाँ तक था पैंतीस तक था बारह से पैंतीस तक था नीति निदेशकता नी तो आप बताइए छत्तीस से कहां तक था इक्यावन तक था छत्तीस से इक्यावन तक था मूल कर्तव्य अभी की संख्या ग्यारह है इसकी कितना है इक्यावन के में है टोटल कितना है ग्यारह है टोटल इसकी संख्या ग्यारह है अब बताइए संघ की चर्चा कहाँ से थी तो ये तो इक्यावन पे खत्म हुआ बावन से लेकर एक तक बावन से लेकर एक तक अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे भाग संख्या 6। भाग संख्या क्या पढ़ाएंगे छ पढ़ाएंगे भाग संख्या छे में राज्य की चर्चा है इसकी चर्चा है स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है राज्य की चर्चा है इसकी चर्चा राज्य की यह कहा से शुरू होगा एक से शुरू होगा अब इसको देखते हैं कहां तक ये चलता है आपको हम एक सौ तक तो पूरा पढ़ा दिए सी एजी वगैरह ए टू जेड चीज पढ़ा दिया अब ये स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा हम देखते हैं ये भाग संख्या छह है भाग संख्या थे यानी राज्य राज्य स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के बारे में कहा गया है इसकी चर्चा किसमें है आर्टिकल संख्या तिरपन में है आर्टिकल संख्या है? एक सौ बावन में किसमें है एक सौ बावन में देखिए ना ये कहाँ से चालू होगा एक सौ सॉरी बावन से लेके एक सौ इक्यावन तक था गलती लिख दिए थे क्या ये चालू होगा एक सौ बावन से कहाँ से चालू होगा एक सौ बावन से कहा से बावन चालू होगा एक सौ बावन से चालू होगा हो हो हाँ हाँ बावन से एक सौ बावन नहीं था हाँ हाँ बाबू हम थोड़ा सा वहां पे क्या लिख दिए थे गलती से लिख दिए थे चलिए अब ध्यान से देखते हैं ये हो गया आपका बावन में आर्टिकल क्या चीज़ हो गया बावन आप बताएंगे आर्टिकल बावन में किस चीज़ की चर्चा होगी राज्य की चर्चा होगी किसकी चर्चा होगी राज्य की देखिए पीडीएफ आप लोग को बना द, बनाया जा चुका है अब पीडीएफ अपलोड होना बस बाकी है पीडीएफ आ गया है हम बोल दिए हैं सबको पीडीएफ अपलोड कर देंगे फटाक से देखिए बावन में एक सौ बावन में चर्चा है राज्य की इसकी चर्चा है राज्य की यानी स्टेट की स्टेट के पास तीन चीजें होती हैं इसे कहेंगे कि आप स्टेट है सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए क्षेत्रफल होना चाहिए हर स्टेट का अपना क्षेत्रफल है हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ जनसंख्या है ऐसा कोई स्टेट बताइए जिसके पास कोई जनसंख्या नहीं है हर स्टेट के पास कोई ना कोई शासन है चाहे कहीं राज्यपाल का शासन है कहीं प्रशासक का शासन है कहीं मुख्यमंत्री का शासन है कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है लेकिन हर राज्य के पास अपना शासन है लेकिन किसी भी राज्य के पास अपनी संप्रभुता यानी सोभर्निटी नहीं है संप्रभुता नहीं है संप्रभुता नहीं है राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है संप्रभुता का मतलब वो सर्वे सर्वा नहीं है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता आ जाएगी तो अपना एक देश हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पास 80 परसेंट सम्प्रभुता थी जम्मू देखिए ये हर राज्य के पास होती है ये तीनों चीजें हर स्टेट के पास होती है ठीक है लेकिन संप्रभुता किसी स्टेट के पास नहीं होती है जम्मू कश्मीर में 370 होने के वजह से उसके पास संप्रभुता यानी सोवर्निटी सोवर्निस होती है सोवर्निटी संप्रभुता का मतलब होता है हम किसी से कुछ पुछबे नहीं करेंगे हमको जो मन वो करेंगे बताइए संप्रभुता किसके पास है भारत के पास है संप्रभुता भारत के पास है तो देखिए राज्य को अगर किसी को भी क्या बनना है राज्य बनना है तो राज्य यानी स्टेट बनना है तो उसे तीन चीज चाहिए कौन कौन सा क्षेत्रफल जनसंख्या और शासन लेकिन अगर देश बनना है तो उसको चारों चीज चाहिए क्षेत्रफल भारत का भी है जनसंख्या भारत की है शासन भारत में भी चलता है और भारत के पास संप्रभुता भी है हम अपने डिसीजन लेने से ये किसी से नहीं चुकते हैं अमेरिका कहा कि रूस से एस फोर मत खरीदो हमने खरीद लिया नहीं समझे चीन, चीन ने कहा कि यह मत करो हम वो भी कर देते आगे बढ़ जाए तो देश के लिए क्या जरूरी है आईबी के एग्जाम में पूछा था कि किसी देश के संरचना के लिए किन चीजों की जरूरत होती है तो चारों चीज की जरूरत होती है कौन कौन सा सबसे पहला तो उस देश का अपना क्षेत्रफल होना चाहिए फिर उसमें रहने के लिए जनसंख्या उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए शासन और शासन पर किसी का दबाव ना हो इसे कहते हैं संप्रभुता लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है इतना समझ में आ गया तो ये हो गया आपको आर्टिकल संख्या बावन अब हम तिरपन में समझते हैं राज्यपाल आर्टिकल एक में है राज्यपाल आर्टिकल एक में है राज्यपाल 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 को अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नर क्या कहेंगे गवर्नर कहते हैं हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं गवर्नर इनके बारे में समझते हैं इनका शॉर्टकट ट्रिक होता है रकानी कायोसस। रकानी कायोसस।, -का रकानी कायोसस रकानी कायोसस रकानी कायोसस रकानी कायोसस रकानी कायोसस हो गया रकानी कायोसस इनका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है शॉर्टकट ट्रिक क्या है तो आर्टिकल बताइए कितने से चालू होते हैं ये एक से चालू होते हैं राज्यपाल साहब राज्यपाल साहब चालू होते हैं एक से तो राज्यपाल एक से चालू होगा तो रकानी क्या में आपको एक से चालू कर देना है और तब तक चलते रहना है जब तक ये खत्म नहीं हो जाए तो एक सौ तिरपन कार्य कर्ण एक सौ चौवन एक सौ पचपन एक सौ छप्पन एक सौ एक सौ अंठावन और एक सौ उनसठ इतने में राज्यपाल खत्म हो जाते हैं एक में है राज्यपाल एक में क्या है राज्यपाल है राज्यपाल राज्यपाल ठीक है एक में क्या चीज है कार्यपालिका का, का प्रधान कार्यपालिका सारा का सारा कार्यपालिका किसके पास में सारा का सारा कार्यपालिका राज्यपाल के हाथ में होता है था था था। 155 में है इसकी नियुक्ति पहले तीन समझ जाते हैं इसकी नियुक्ति होती है निर्वाचन नहीं होता नियुक्ति होती पहले इन तीनों को समझ जाते हैं उसके बाद आगे बढ़ाएंगे रकानी कायोसस ये ट्रिक का फायदा ये होता है कि आपको बस स्टार्टिंग याद रखना है कि राज्यपाल एक से चालू होते हैं उसके बाद एक सौ तिरपन चौवन भरते जाइए ये भी नहीं देखना है कि कहां खत्म होता है क्योंकि हर टर्म को आपको एक एक आर्टिकल देते जाना है रकानी कायोस एक सौ तिरपन में है राज्यपाल एक सौ तिरपन में है राज्यपाल देखिए अब एक एक करके समझिए राज्यपाल जो होता है यह पद कनाडा से आया है राज्यपाल का पद कनाडा से आया है यह पहला हो गया राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल एक तिरपन में है हर राज्य में एक स्टेट में कितने राज्यपाल एक राज्यपाल एक स्टेट अगर रहेगा तो एक स्टेट में कितने राज्यपाल एक गवर्नर रहेंगे एक राज्यपाल एक स्टेट एक राज्यपाल क्या एक स्टेट में दो राज्यपाल हो सकते हैं क्या एक स्टेट में दो राज्यपाल हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं लेकिन दो स्टेट का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है एक ही राज्यपाल दो स्टेट को देख सकता है एक ही राज्यपाल दो स्टेट को दे सकता है राज्य दो दो राज्य को देख सकता है लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है याद रखिएगा राज्य कितना भी बड़ा हो जाए उसमें दो दो गवर्नर नहीं हो सकते दो दो गवर्नर नहीं हो सकते लेकिन दो राज्यों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है बहुत दिन पहले अभी देखेंगे बिहार के राज्यपाल को कहा गया था कि आप बंगाल भी देख लीजिए चंडीगढ़ के राज्यपाल और हरियाणा के राज्यपाल अकेले देख लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए दो राज्यों की जिम्मेदारी एक ही राज्यपाल को दे दी जाती है वेतन कैसे दिया जाता है तो राष्ट्रपति वेतन बांट लेते हैं कहते तो हैं कि भैया आपका साढ़े तीन लाख वेतन है हम उनसे भी कुछ दिला देते हैं उनसे भी जो बड़ा राज्य रहेगा उससे दो लाख ले लेगा जो तो छोटा राज्य रहेगा उससे डेढ़ लाख ले लेगा साढ़े तीन लाख रुपए दे देगा दे मन राज्यपाल का राष्ट्रपति का तो कहेगा एक काम करो फिफ्टी फिफ्टी बांट लो एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है लेकिन एक ही राज्य में दो राज्यपाल नहीं बैठ सकते ये इसकी हैं राज्यपाल का पद कनाडा से आया है हर राज्य का एक राज्य का एक राज्यपाल राज होता है लेकिन कभी भी एक राज्य में दो दो राज्यपाल नहीं बैठ सकते हैं राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए राज्य की जो भी कार्यपालिका है कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव क्या कहेंगे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है विभाग कार्यपालिका मतलब क्या होता है विभाग कार्यपालिका का मतलब क्या होता है विभाग तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है कार्यपालिका किसके अंडर में होती है राज्यपाल के लिए लेकिन ये केवल कहने के लिए है औपचारिक प्रधान होता है औपचारिक प्रधान होता है औपचारिक प्रधान होता है समझ में आ गया कि नहीं गया बताइए राज्य की कार्यपालिका कार्यपालिका का मतलब होता है जितने भी विभाग हैं कहने के लिए तो उसका मालिक राज्यपाल है लेकिन बताइए वास्तविक प्रधान कौन है वास्तविक प्रधान कौन है वास्तविक वास्तविक प्रधान कौन होता है चीफ मिनिस्टर होता है सीएम होता है वास्तविक प्रधान सीएम होता है किसी भी डिपार्टमेंट का देखिए कार्यपालिका लड़कों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव अरे भैया विभाग को हम कार्यपालिका कहते हैं एक राज्य में कई विभाग होते हैं परिवहन विभाग संचार विभाग पर्यावरण विभाग स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग गृह विभाग पुलिस विभाग आपदा प्रबंधन विभाग बड़ी विभाग होते हैं सब दारू विभाग बिहार भी में है रोकने के लिए आबकारी विभाग बहुत विभाग होते हैं तो सारे विभाग का मालिक कहने तो के लिए औपचारिक प्रधान कौन होता है राज्यपाल औपचारिक प्रधान कौन होता है राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं चीफ मिनिस्टर वास्तविक प्रधान जब भी होंगे तो चीफ मिनिस्टर कार्यपालिका का मतलब होता है विभाग इनकी नियुक्ति कौन करता है इनकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर पीएम के क्या होता है सलाह लिया जाता है पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं पीएम के सलाह पर कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति कहते हैं देखिए यूं तो राज्यपाल का पद बनाया गया कि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि हर राज्यों में बैठे तो ये राज्यपाल का काम था लेकिन वर्तमान परिदृश्य में राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है बल्कि केंद्र में कौन सी पार्टी शासन कर रही है उस हिसाब से शासन कर रहा है राज्यपाल राज्यपाल जो होता है सोने के पिजड़े में बंद एक तोता होता है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू का कथन है राज्यपाल किसके सलाह पर नियुक्ति होते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं ये तीन अनुच्छेद तो समझ में आ गया आप लोग को राज्यपाल का पद किस देश से आया है आगे बढ़े सर तो राष्ट्रपति राज्यपाल का चुनाव होता है नहीं बाबू राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है राज्यपाल का चुनाव न होके बल्कि उनकी क्या होती है नियुक्ति होती है उनका निर्वाचन नहीं होता है इलेक्शन न होके उनका सलेक्शन होता है नियुक्ति होती है क्या होती है नियुक्ति होती है कनाडा से लाया गया राज्यपाल का पद अब हम लोग देखते हैं एक कौन सा आर्टिकल देखेंगे बाबू एक बताइए एक में किस चीज की चर्चा है कार्यकाल 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 देखो बाबू ध्यान से राष्ट्रपति राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है ये राष्ट्रपति के अनुसार रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक रहेंगे राष्ट्रपति कल कह देगा आज आपको राज्यपाल बना दिया बिहार के और कल भगा देगा भगो यहाँ से नहीं रहोगे तुम जाओ मेघालय मेघालय से उठा के भेज देगा नागालैंड इधर उधर घुमा सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं किसके प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनके अनुसार रहते हैं जब तक वो उनका मन चाहेगा रखेंगे मन चाहेगा तो पाँच साल भी रख सकते हैं मन चाहेगा तो छः साल भी रख सकते हैं उनका मन किया तो आपको सिक्किम का राज्यपाल बना देंगे मन करेगा उनको तो यूपी का राज्यपाल बना देंगे जिसका मन उसका ये क्या कर सकते हैं राज्यपाल बना सकते हैं इच्छा अनुसार तो राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है याद रहेगा राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं रहेगा नहीं समझे नहीं समझ में आ रहा राज्यपाल का वेतन साढ़े तीन को कोई दिक्कत नहीं है एक आदमी कह रहा है कि सर फीस इतना कम क्यों है तुम ज्यादा दे दो तुम्हें ज्यादा फीस देना है किसी गरीब की मदद कर दो आपको ज्यादा फीस देना है आप किसी बच्चे को कह दो कि लाओ तो बाबू हम भी तुमको पढ़ा देते हैं हमारा उद्देश्य पैसे कमाने नहीं है बाबू करना नगे की नहीं आ गया हमारा कौन जी जाता है पैसा में ना आगे नाथ ना पीछे पगा क्या करेंगे इतना पैसा लेके क्या धन ना शादी के बाद फीस बढ़ जाएगा समझ में आ गया गिना गया क्योंकि हम इधर पढ़ाएंगे उधर से वो कहेगी मुझे नौ लखा दिला दे तो कहाँ से लाएंगे नौ लखा के लिए फीस बढ़ जाएगा इसलिए सब लोग पढ़ो समझ में आ गया कि नहीं गया सब लोग पढ़ो अभी फीस बहुत कम है <laughs> लेकिन जिस दिन ब्याह के बाद फीस बढ़ा देंगे हम इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं अगला जो आर्टिकल आता है बाबू इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है खटाखट आंसर देना चाहिए कार्यपालिका का मतलब होता है विभाग कार्यपालिका का मतलब क्या होता है विभाग है कह रहा है कि सर ब्याह मत करिएगा नहीं तो फीस बढ़ जाएगा देख रहे हैं है मत कीजिएगा चलो कोई बात नहीं नहीं करेगा आदमी एक सौ सतावन फिफ्टी सेवन एक सौ वन फिफ्टी सेवन में क्या है यो यो मतलब क्या होगा यो, यो हनी सिंह यो मतलब यो यो हनी सिंह नहीं यो मतलब होता है योग्यता यो मतलब होता है योग्यता योग्यता होता है क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो भैया इसमें एक रटा रटाया जवाब होता है भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का क्या होना चाहिए नागरिक होना चाहिए पैंतीस साल आयु होना चाहिए पैंतीस साल आयु होना चाहिए पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए पागल नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पागल नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए दिवालिया मतलब किसी का पैसा लेके भाग गया है उसी को क्या कहते हैं दिवालिया मतलब अपनी औकात से ज्यादा पैसा ले लीजिएगा कर्जा से कहते हैं दिवालिया ऐसे इंसान को बैंकप्ट कहते हैं इंसॉल्वेंट कहते हैं बैंकप्ट कहते हैं इंग्लिश पढ़िएगा तो एंटोनिम साइनोनियम में आता है इंसॉल्वेंट या बैंकप्ट क्या होता है दिवालिया जो पैसा लेके भाग गया है ऐसे व्यक्ति को अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश के खजाना से कर्जा भरने लगेगा बताओ तो नीरव मोदी को अगर तुम राष्ट्रपति बना दोगे तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के सबको कर्जा भर देगा लो चौदह सौ करोड़ पीएनबी तुम रख लो समझ समे कि नहीं आ गया विजय माल्या को बना देंगे राज्यपाल तो घोटिए गो, ले जाएगा तो कभी भी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए जो दिवालिया हो पागल का तो मतलब समझते ही है मेरी बड़ी बहन पागल है आप सबको पता है मेरी बड़ी की बहनिया के बारे में फिल्म में है फिल्म बनाती है तो वो क्या है पागल है किसी को दिक्कत वैसे आदमी को राज्यपाल बनाएंगे हा? कुछ दिन में कहेगी कि सोच रहा हम चौदह के बाद सूरज निकलना चालू हुआ है तो मेरी, मेरी बड़ी की बहनिया को पता है ना पागल है वो तो पागल आदमी को भी आप राज्यपाल नहीं बना सकते हैं और कम से कम उम्र कितना होना चाहिए पैंतीस साल पैंतीस साल की हो गई है बिया नहीं हुआ इसीलिए पागल हो गई है किसी को दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाए भारत का नागरिक होना चाहिए ये सब क्या है भैया उसकी योग्यताएं हैं ये सारी चीजें उसकी योग्यता है ये उसकी क्या क्या है? है। योग्यता राष्ट्रपति करते हैं पत्र भी कौन लेते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति पत्र भी ले लेते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इसके बाद कौन सा आर्टिकल होगा एक आगे बढ़े आर्टिकल कौन सा होगा इसके बाद एक बता सकते हैं ना एक सौ अंठावन एक सौ अंठावन में क्या होगा बाबू आर्टिकल संख्या एक सौ अंठावन में क्या होगा बताइए एक सौ अंठावन में क्या है शर्त है कौन कौन सी शर्त हो सकती है शर्त मतलब होता है कंडीशन कौन कौन कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति को फॉलो करना होता है शर्त मतलब क्या होता है कंडीशन नहीं लोग लगा देते शर्त लगा देते हैं देखिए है. हम ब्याह करेंगे लेकिन दहेज नहीं चाहिए तो इस टाइप का एक शर्त लगा देते हैं लड़की पढ़ी लिखी रहेगी या लड़की बहुत सुंदर सुशील रहेगी या फिर लड़की बहुत मतलब संस्कारी रहेगी तो लोग कह देते हैं हम दहेज नहीं देंगे हम क्या नहीं देंगे दहेज नहीं देंगे बहुत अच्छा नहीं देना चाहिए दहेज आगे बढ़ते किसी को दिक्कत नहीं हम लड़की रहते तो हम कहते दहेज लोगे तो हम बराती को खाना ना खिलाएंगे जाओ उतने पैसे लगे तो अपना लेके आना चिवरा चना भिगा के बाराती लोग को बाट खा लेना सोच रहा नहीं।, नहीं समझ में आया हा? आगे बढ़ते हम तो नहीं हम न, नहीं खिलाते ना तो बारात सबको ना मार भात खिला देते खिचड़ी खिला देते कहते हल्ला करके कि सब पैसा तो यही दूल्हा ले लिया है यही आपका मित्र है ये यही ले लिया है हम कौन चीज खिलाएंगे इसको माड़ भात खिला देंगे रात का बचल चावल भूज के खिला देंगे रोटी रहेगा रात का के अचाव, लाल चाय में बोर के खिला दो जा जा सब पैसा यही लिया है सब लोग इससे कहो हल्ला हो जाएगा उसी का <laughs> नहीं समझ में आया लड़की सब करी हाँ सर चलिए देखिए क्या क्या शर्त होना चाहिए सबसे पहला शर्त होना चाहिए वो ससुरा कहीं का भी सांसद नहीं होना चाहिए वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए वो विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए वो कहीं का सदस्य नहीं होना चाहिए पता चला सांसद भी है राज्यपाल भी बन गए नहीं नहीं हो सकते वह संसद या विधानमंडल का नहीं यानी एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए एमपी या एमएलए राज्यपाल को नहीं होना चाहिए उसके अलावे वह जिस राज्य में राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए यानी अगर कोई बिहार का व्यक्ति है तो बिहार में वो कितनो एड़ी चोटी लगा देगा बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकता है वो बिहार में सांसद हो सकता है बिहार में विधायक हो सकता है एमएलए एमएलसी एमपी कुछ हो सकता है वो बिहार से चुन के राष्ट्रपति जा सकता है बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है लेकिन बिहार का व्यक्ति बिहार का राज्यपाल कभी नहीं होगा आप कहेंगे कि नाइंसाफी क्यों आप दंग रह जाएंगे संविधान वालों का दिमाग देख कैसे दंग रह जाएंगे सुनिए ध्यान से इसमें शर्त रख दिया गया है कि उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो ही नहीं सकता ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल जो होता है उसके पास तो वास्तविक रूप से तो कोई पावर नहीं है वास्तविक रूप से पावर नहीं है वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर के पास है लेकिन जब राज्य में इमरजेंसी लगता है जब राज्य में क्या लगता है इमरजेंसी लगता है तो इमरजेंसी के समय सारा पावर किसके पास आ जाता है राज्यपाल के हाथ में

उसको उसको नौकरी दे देगा अपने ससुर जी को कहेगा अमूमन तो पैंतीस साल पे तो किसी का भी बिया हो ही जाता है अगर सलमान खान नहीं है तो, तो अमूमन राज्यपाल बूढ़े आदमी रहता है वो भी मिनिमम पैंतीस है मैक्सिमम तो और रहना चाहिए तो अपने ससुर जी को कहेगा चलिए हम आपको डीएम बना देते हैं चलिए हम आपको कमिश्नर बना देते हैं अपनी पत्नी को कहेगा तुमको हम जिला प्रमुख बना देते हैं अपने साली को कहेगा तुमको क्या बना देते हैं तुमको हम उप प्रधान उप मुख्यमंत्री बना देते हैं इतना रिश्तेदार हैं सब सबको ससुरा भर देगा अपने यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया और जितने लोगों से दुश्मनी होगा इतने लोगों से दुश्मनी होगा ससुरन को इनकाउंटर करा देगा पुलिस विभाग भी उसी के अंडर में आ जाएगी कार्यपालिका में कहेगा कि मारो हमरी वाली को देखता था जब हम जवान थे तब मारो उसको गोली मार दो उस लड़की को गोली मार दो हम कॉलेज टाइम में उसको फंसाते थे फंसबे नहीं की थी हमसे अभी भी आकर के घूम रही है दूसरे से मार दो उसको गोली मार दो मार देगा गोली ससुरा उसको मरवा देगा इसलिए जानबूझ के कहा जाता है उस राज्य के आदमी को उस राज्य का निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है नहीं तो नाते काट लेगा किसी किसी नाते काट लेगा किसी को खुशी आएगा तो अभी बताइए कोई केरला का आदमी को आप नागालैंड का राज्यपाल बना दीजिए उसको ना वहाँ कोई हित ना थे ना कोई दुश्मन है ना आगे नाथ न पीछे पगा कुछ रह रहेगा यार कोई मेरा नहीं है यहाँ पे <laughs> कोई मेरा नहीं है इसलिए वो संविधान के हिसाब से काम करेगा समझ आ गया कि नहीं आगे आप बताइए बिहार के आदमी को बिहार में राज्यपाल बना देंगे तो खाई नहीं खोजेगा ओ चचा तो राज्यपाल बनेगा तो लाइन मारने लगेगा कहीं कॉलेज में जाके का समझा गया कि नहीं हर मोहल्ले ससुराल बन जाएगा इसलिए जान के बूढ़ा रखा जाता है नहीं तो ये क्या करने लगेगा लाइन मारने लगेगा समझा गया कि नहीं है और लड़कियों कहीं से बाप रे बाप फंस जाओ एक राज्यपाल है फंस जाओ एकदम ऐसे बाल करके फंस जाएगी सर तुरंत इसलिए एज भी ज्यादा रखा गया है मन में आ गया कि नहीं आ गया इसलिए जितना नेता बनाया जाता है सब बूढ़ा सूढ़ा को बनाया जाता है लाइन मरबो करेगा तो कोनो लड़की नहीं कहेगी दूर से हो गया है भगो इसको नहीं समझ में आया ठीक किया कि नहीं किया ठीक किया कि नहीं किया लड़की सब बताओ ठीक किया कि नहीं किया <laughs> 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 याद हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं आप बताइए क्या उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है नहीं हो सकता है सचुरा तो तांडव मचा देता बहुत जरूरी है बहुत खचरा हो जाता लड़की सब करी हाँ सर ठीक किया हाँ हाँ नहीं अरे नया लड़का राज्यपाल बन जाएगा तो अगल बगल में बॉडी गार्ड नहीं सचरा नई की पुरन की पहल की पूजन की लेके घूमते रहेगा वो तो समझना कि हमेशा ससुराले घूमेगा समझा गया अब जैसे मान के चलिए बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर के व्यक्ति को अगर बिहार का राज्यपाल बना देंगे कहेगा तो एक काम करते हैं बिहार की राजधानी पटना से उठा के मुजफ्फरपुर ले लेते चलते तांडव ना करने लगेगा क्योंकि उसको जनता का डर नहीं है क्योंकि जनता से तो उसको वोट नहीं मांगना है एगो लड़की करिए बढ़िया रहेगा सर बेरोजगार से फंसने से तो अच्छा है ओहो देख रहे हो वोट मोट विभाग नहीं चाहिए बबनी को बबनी को छोट मोट विभाग नहीं चाहिए सपना देख रहे हो बबनी का अभी से सपना बेरोजगार नहीं चाहिए सीधे राज्यपाल चाहिए वाह वाह विभाग नहीं चाहिए विभाग का प्रधान चाहिए वाह अरे भाई भी, तो भी देखो यहाँ भी देखो बबनी यो देखो यो ऐसे ढाचकल पचकल मिलेगा खाना बना दो खाना बना दो समझा गया <laughs> खाली बबनी को दिख रहा है कि <laughs> प्रधान मिल जाएगा एकदम है ना दिख रहा है आ? लड़का होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा पापा कहें कि दादा कहे <laughs> प्रधान चाहिए इनको लड़की सब का भी सपना छोटा मोटा नहीं रहता बताइए समझ गए आप लोग होशियार हैं आप तो बताइए रा से राज्यपाल क से कार्यपालिका का प्रधान का, का नियुक्ति छप्पन में कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता यह से योग्यता बस भारत का नागरिक हो पैंतीस साल हो पागल दिवालिया न हो अंठावन में सरते उस राज्य का निवासी ही नहीं होना चाहिए शपथ उनसठ में है शपथ उनसठ में क्या है शपथ एक में शपथ एक शपथ बताइए एक में शपथ वन शपथ शपथ को क्या कहते हैं ओथ शपथ को क्या कहते हैं औथ अब एक बात बताओ बाबू मेरी और ध्यान ध्यान से राज्य इसकी नियुक्ति कौन किया था राष्ट्रपति तो अमूमन शपथ कौन दिलाना चाहिए राष्ट्रपति कमने आ गया कि नहीं इसकी नियुक्ति कौन किया था राष्ट्रपति तो अमूमन इसको शपथ दिलाना चाहिए राष्ट्रपति को इसे दिलाना चाहिए राष्ट्रपति को लेकिन समस्या समझिए राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाएगा इसकी समस्या क्या है राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाएगा क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है भारत का नक्शा है क्या जी इधर कहीं नहीं है तो इतना बड़ा इंडिया में बताओ इतना बड़ा हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल हर राज्य में है सब हर राज्य में क्या भरे हैं सब राज्यपाल भरे हैं सब तो अब राष्ट्रपति का काम यही है कि वो दिल्ली से घूम घूम के आया सबको शपथ दिलाए कहे कोना का बाकी है शपथ चल 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 ऐसे घूमते रहेगा राष्ट्रपति कहेगा तुम्हारा बंगाल में शपथ दिलाना है ए शपथ दिलाइय हो मेघालय में नागालैंड ऐसे शपथ दिलाएगा उधर गुजरात में बचल है जी इधर नागालैंड तमिलनाडु उड़ीसा महाराष्ट्र शपथ दिलाओ शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति पगला जाएगा वो हर एक माल दस रुपया शपथ दिलाओ एक सौ उनसठ नहीं ना दिलाएगा इसके लिए वो क्या करता है राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है लेटर जारी कर देता है फलनिया को राज्यपाल बना दिया और कहता है कि जाओ उड़ीसा में और उड़ीसा में जो हाई कोर्ट होगा ना उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहना कि हमको शपथ दिला दे मुख्य न्यायाधीश जो होगा मुख्य न्यायाधीश उससे कह देना कि शपथ दिला दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिला देते हैं लेकिन ही, ही, ही इसको इस्तीफा नहीं देता इस्तीफा देने फिर ये जाता है दिल्ली जाता है लीजिए बहुत मेहनत का काम है हमसे नहीं होगा तो बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को ओथ यानी शपथ दिलाने का काम उस राज्य का हाईकोर्ट का जज करता है हाईकोर्ट का मुख्य जज मेन जज नहीं रहेगा तो कौनो बचल जज कर देगा कौन करता है हाईकोर्ट का जज हाईकोर्ट का जज हाईकोर्ट का जज हाईकोर्ट का जज देता है हाईकोर्ट का जज लेकिन त्यागपत्र किसे देता है त्याग जाके किसे देता है पत्र देता है राष्ट्रपति को पत्र किसे देता है राष्ट्रपति को देता है क्योंकि ये तो बस शपथ दिलाने का काम किया था मैं शपथ लेता हूं कि मैं राज्यपाल अच्छा से राज्य की विधि व्यवस्था का निर्वहन करूंगा बस हो गया शपथ हो गया काम खत्म किसी को कोई दिक्कत है हाँ किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का उसी को शपथ दिलाने का काम होता है ये हो गया आपको कंप्लीट राज्यपाल के बारे में जानकारी करना गया कि नहीं आ गया किसी को प्रॉब्लम है तो बोला जाए राज्यपाल का ट्रिक बोलिए स्टार्ट किया जाए स्टार्ट किया जाए फटाफट राज्यपाल को चलिए राज्यपाल को स्टार्ट करते हैं राज्यपाल कोई भी इसका ट्रिक दोबारा बोलिए फटाक से ट्रिक बोलिए रकानी का कायोसस। रकानी, रकानी कायोसस। रकानी कायोसस। रकानी कायोसस। बताइए इसको कहां से चालू करेंगे एक सौ बस स्टार्टिंग वाला याद रखना है राज्यपाल का पद एक सौ बाकी तो भर देंगे एक सौ चौवन एक सौ पचपन एक सौ छप्पन एक सौ सत्तावन एक सौ अंठावन एक सौ उनसठ बस खत्म ये गो को बस याद रखना है बाकी तो भर देना बताइए एक सौ तिरपन एक सौ चौवन एक सौ पचपन तिरपन में क्या चीज है राज्यपाल का पद कहां से आया है कनाडा से आया है एक राज्य में दो गो राज्यपाल नहीं हो सकता लेकिन दो राज्य का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है उसको दो बार वेतन नहीं मिलेगा बल्कि आधा आधा मिल जाएगा उसको कार्यपालिका का वो औपचारिक प्रधान होता है कार्यपालिका का मतलब विभाग विभागों का औपचारिक प्रधान जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है निर्वाचन की नियुक्ति निर्वाचन की नियुक्ति निर्वाचन की नियुक्ति नियुक्ति होता है कौन नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं किसके सलाह पे करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं किसके सलाह पे प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं नियुक्ति करते हैं कार्यकाल कार्यकाल क्या पांच साल होता है क्या पूर्णकालिक होता है पूर्णकालिक मतलब होता होता है है साल क्या पूर्णकालिक नहीं पूर्णकालिक नहीं होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार रहता है राष्ट्रपति जब मंतब इसको लतिया के भगा सकते हैं राष्ट्रपति जब मंतव इसे लतिया के भगा सकते हैं यो से क्या हो गया योग्यता यो से क्या हो गया योग्यता यो से हो गया योग्यता यो से क्या हो गया योग्यता हो गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया यो से हो गया योग्यता जो से हो गया योग्यता योग्यता में कितना साल आयु होना चाहिए पैंतीस साल आयु भारत का नागरिक होना चाहिए पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए शपथ में ना संसद का सदस्य होना चाहिए राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए जिस राज्य में राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए शपथ कौन दिलाता है हाईकोर्ट के जज दिलाते हैं जबकि राष्ट्रपति को जाकर ये अपना त्याग पत्र देता है क्या राज्यपाल का पद किस देश से आया है राज्यपाल का पद किस देश से आया है राज्यपाल का पद किस देश से आया है कनाडा से आया है कनाडा से आया कहा था कि राज्यपाल सोने के पिजड़े में बंद एक चिड़िया है किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिजड़े में बंद एक चिड़िया है सरोजनी नायडू वेरी गुड भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की थी, थी? हाँ चलिए अब आगे समझते हैं इतना समझ में आ गया अब राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती हैं ये सब चीजों के बारे में हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे इन सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे ये आपका है आपका क्या चीज राज्यपाल का इतने से सवाल आते हैं अब कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं अब राज्यपाल की शक्तियां होती हैं क्षमादान शक्ति क्या हो गया राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति क्या हो गया राज्यपाल का विशेषाधिकार शक्ति क्या हुआ राज्यपाल को कितने मतलब शिक्षा से संबंधित क्या अधिकार मिला राज्यपाल किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है और वो अपने नीचे यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर बैठाता है आप देखते होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में देखेंगे वाइस चांसलर बैठता है वाइस का मतलब होता है उसके नीचे जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन के नीचे वाइस कैप्टन होता है समझा गया कि नहीं आ गया तो वो वाइस चांसलर बैठाता है और राज्यपाल खुद चांसलर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का खुद क्या होता है चांसलर होता है और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी वो वाइस चांसलर को दे देता है भीसी को देता है भी के ऊपर कौन होता है सी होता है चांसलर पूरी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है आई होप आप इसे समझेंगे अब हम आपको मिलेंगे कल ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इतना डोज ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा डोजो ले लेने पर गड़बड़ हो जाता है राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनने देना चाहिए गड़बड़ घोटाला कर देगा कब इमरजेंसी के दौरान ठीक है बाय बाय समझ में आ गया आप लोग को